हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल के एंड सी क्रिएटिविटी। फ्रेंड आज देखिए मैं एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए ये फ्रंट साइड से ऐसे दिखता है और बैक साइड से इस तरह दिखते हैं। और इस डिज़ाइन को आप तो इसके लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए और ये 12 रो का डिज़ाइन है। तो चले स्टार्ट करती हूँ, कैसे बनते हैं देखती हूँ। इसके लिए मैंने 4 के मल्टीपल फंदे ली हुए और 1 फंदे एक्स्ट्रा, तो 13 फंदे इसमें डाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला रो राइट साइड, फर्स्ट रो राइट साइड, पहला फंदा स्किप कर लिया, धागा अपनी तरफ किया। देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे इस सिलाई में लेके धागा को फिर इसे पीछे दे देना है और 1 फंदे सीधा बिन लेना है। तो देखिए ऐसे एज इट इज़ को छोड़ के देखिए 1, 2, 3, 4 यही 4 फंदे हमें पूरी रो रिपीट करनी है। फिर धागा अपनी तरफ 1, 2, 3 फंदे स्किप कर लिया, बिना बुने राइट नीडल्स में उठा लिया, फिर धागे को पीछे दे दिया, 1 फंदे सीधा, धागा फिर अपनी तरफ 1, 2, 3 फंदे स्किप कर लिया, धागा पीछे एज इट इज़ को सीधा बिन लिया। देखिए आप रॉन्ग साइड हमें हर सिलाई उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी होंगे। रॉन्ग साइड सेकेंड रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है, पूरी रो उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। सेकेंड रो उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड। अब थर्ड रो राइट साइड, पहला स्किप कर लिया, धागा अपनी तरफ वही फर्स्ट रो की तरह रिपीट करनी है। 1, 2, 3 फंदे स्किप कर लिया, धागा पीछे, 1 फंदे सीधा। देखिए फिर धागा अपनी तरफ 1, 2, 3 फंदे स्किप कर लिया, धागा पीछे, 1 फंदे सीधा। फिर धागा अपनी तरफ 1, 2, 3 धागा पीछे एज इट इज़ को सीधा बिन लेना है। रो रॉन्ग साइड, पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब फिफ्थ रो राइट साइड, पहला फंदा स्किप कर लिया, धागा अपनी तरफ फर्स्ट रो और थर्ड रो की तरह ये बिनना है। 1, 2, 3 फंदे स्किप कर लिया, धागा पीछे, 1 फंदे सीधा बिन लिया, धागा अपनी तरफ 1, 2, 3 स्किप कर लिया, धागा पीछे, 1 फंदे सीधा, फिर 1, 2, 3 फंदे स्किप कर लिया, धागा पीछे एज इट इज़ को सीधा बिन लेनी है। फर्स्ट रो थर्ड रो और फिफ्थ रो एक ही पैटर्न रिपीट होगा। अब से सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड, पूरी रो उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब सेवेंथ रो राइट साइड, पहला फंदा स्किप कर लिया और धागा पीछे रहेगा, 1 फंदा सीधा बिन लिया। देखिए और ये जो बीच का फंदा है, देखिए पहले इस फंदे ये 1, 2 और ये 3 फंदे के नीचे से सिलाई लेके बीच वाला फंदे को सीधा बिन लिया और ये फंदे के ऊपर से ये तीन लूप को इसके ऊपर से उतार देना है। देखिए ऐसे, फिर 1 और ये 2 फंदे सीधा बिन लिया। देखिए एज इट इज़ को छोड़ के 1, 2, 3, 4 फिर वही बिनना है, 1 फंदे सीधा और इसके नीचे से इसी सिलाई को लेके, 3 फंदे के नीचे से सिलाई को लेके और इसे इसको सीधा बिन लेनी है बीच वाला फंदे को, और इस तीनों फंदे को इसमें इसके ऊपर से लूप को इसके ऊपर से उतार देना है इसे। फिर 1, 2 फंदे सीधा, फिर 1 फंदे सीधा,
फिर इसके बीच में से ऐसे सिलाई को लेके देखिए, और इस फंदे को सीधा बुन लिया और ये तीन फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया। फिर दो फंदे सीधा, सेवेंथ रो कंप्लीट हो गया। देखिए अब एट रो रॉन्ग साइड, पूरी रो हमें उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। एट रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब नाइन्थ रो फ्रंट साइड, नाइन्थ रो राइट साइड पहला स्किप कर लिया और पूरी रो हमें सीधा बिन के कंप्लीट करनी है। सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करनी है। नाइन्थ रो पूरी रो सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करनी है। नाइन्थ रो पूरी रो सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया। आप टेंथ रो रॉन्ग साइड, पूरी रो रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करनी है। पूरी रो सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करनी है। टेंथ रो पूरी रो रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब इलेवेंथ रो देखिए, इलेवेंथ रो पूरी रो हमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करनी है। इलेवेंथ रो फ्रंट साइड से सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ट्वेल्व रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। देखिए ट्वेल्व रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करनी है। ट्वेल्व रो रॉन्ग साइड उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया और डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए दो डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप वन टू ट्वेल्व रो तक रिपीट करेंगे तो आपका ऐसी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरी चैनल को एंड में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।